अनुसार बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम जानेंगे कहां हुई बारिश, कहां कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां तापमान की स्थिति कैसी रहेगी। इन सभी चीजों की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। बड़ी खबरें में सबसे पहले बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर यह बड़ी खबर है। उसके साथ ही असम की बात करते हैं, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ओडिशा की, जहां पर कहीं कहीं काफी बरसात का अनुमान लगाया गया है। पांच बड़ी खबर में हमने तीन बड़ी खबर देखी, अब चौथी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं तेलंगाना से, जहां पर गिने चुने हिस्सों में हो सकती है जोरदार बारिश। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, विदर्भ की बात करते हैं, जहां पर इक्का दुक्का इलाकों में मूसलाधार बरसात के आसार लगाए गए हैं। तो ये आज की पांच बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम जानते हैं किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहाँ पर आपको सावधान रहना है, कहाँ आपको नजर बना के रखनी है और कौन से राज्यों को लेकर कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। मेरे पीछे आप भारत का एक नक्शा देख रहे हैं, इसमें अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है, जो कि अलग अलग सावधानी और नजर बनाए रखने और चेतावनी के बारे में बयां कर रहे हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो यहां पर आपको सावधान रहने की यहां हिदायत दी गई है। यहां पर कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होने के अनुमान हैं। साथ ही साथ अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगह पर आपको नजर बनाए रखनी है। यहां पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश के अनुमान हैं। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, यहां की बात करें तो यहां पर भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। यहां पर भी आपको नजर बना के रखनी है। साथ ही साथ अंडमान और निकोबार की बात करें तो यहां पर भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है, यहां पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। केरल की बात करें तो यहां पर आपको सावधान रहना है, यहां पर भारी बारिश के आसार जताए गए हैं, यहां पर भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है, तो यहां पर आपको सावधान रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटे में कहां ज्यादा बारिश होगी और कहां कम बरसेंगे बादल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहां पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान है। साथ ही पंजाब, चंडीगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पंजाब में आने वाले 24 से 48 घंटों में कई जगह पर बरसात होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही बाकी राज्यों की जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और इन जैसे क्षेत्रों में आपको नजर बना के रखनी है। अगर बात करें झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात है, यहां पर आपको सावधान रहना है। और साथ ही बिहार की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात होने के अनुमान है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम की तो यहां पर कहीं कहीं बरसात हो सकती है। साथ ही साथ तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और केरल की हम बात करते हैं तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात है। साथ ही साथ अंडमान और निकोबार में भी अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, यहां की बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश होने के अनुमान है। साथ ही साथ तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं। तो दक्षिण भारत के बाद मैदानी इलाकों की बात करते हैं, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात है। साथ ही कोंकण और गोवा में भी अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। विदर्भ, मराठवाड़ा की बात करें तो अनेक जगह बरसात है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान है। वहीं सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी कई जगहों पर बरसात देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश हुई है, नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पूरी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन जगहों पर पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। इन राज्यों के अंदर पिछले 24 घंटों में बारिश भी देखने को मिली है। साथ ही साथ कुछ राज्यों में यहां पर हल्की फुल्की तेज हवाएं भी चली हैं और इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में यहां पर मूसलाधार बारिश पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है। तो मौसम की चाल में पिछले 24 घंटे के अंदर इन राज्यों के अंदर जो मौसम का हाल और मौसम की चाल रही वो कुछ इस प्रकार से रही। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा, बिहार,
इन राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बरसात देखने को मिली है। दक्षिण भारत की बात करते हैं जहाँ पर तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन जगह पर, पुडुचेरी पर, यहाँ पर पिछले 24 घंटे में भारी बरसात देखने को मिली है। भीतरी उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में भारी बरसात देखने को मिली है। साथ ही साथ दमन दीव की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में भारी बरसात देखने को मिली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, गुजरात, इन राज्यों की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। तो इन राज्यों में भी मौसम के चाल में पिछले 24 घंटे के अंदर यहाँ पर भारी बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ गुजरात, दमन और दीव, इन सभी राज्यों में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। तो पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल कुछ इस प्रकार से थी। आगे बढ़ेंगे लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहिए मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम बात करेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति क्या रही, कहां पर अधिकतम तापमान कैसा रहा और कहां पर न्यूनतम तापमान कैसा रहा है। तो चलिए जानते हैं देश के अलग अलग राज्यों में तापमान का हाल। सबसे पहले अधिकतम तापमान की हम बात करेंगे देश के हरियाणा और दिल्ली राज्य की, जहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार, मेघालय, असम, इन सभी राज्यों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अधिकतम तापमान में और दक्षिण भारत की बात करते हैं, जहां पर तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक, यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों की बात करते हैं, जहाँ पर छत्तीसगढ़, गुजरात, इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में हम बात करेंगे, देश में सबसे अधिकतम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के खजुराहो में दर्ज किया गया, जो कि 38.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो देश में सबसे अधिकतम तापमान यहां दर्ज किया गया। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जो कि पंजाब, चंडीगढ़, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह, लद्दाख, न्यूनतम तापमान यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, यहां पर जो न्यूनतम तापमान रहा वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, जो कि देश में सबसे न्यूनतम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार में दर्ज किया गया, जो कि 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों में तापमान की स्थिति क्या कुछ रही, एक बार नजर डाल देते हैं।
और देश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थितियां थी जो कुछ इस प्रकार से थी जो हमने आपको दिखाया। आगे बढ़ेंगे लेकिन यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहिए मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ता बनाए, गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल, ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का हाल कैसा रहा, किस राज्य में वायु गुणवत्ता बेहतर रही और कहां पर खराब स्थिति में दर्ज की गई है। तो चलिए जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। दिल्ली की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 138 दर्ज किया गया जो कि संतोषजनक स्थिति में दिल्ली की हवा को दर्ज किया गया है। दिल्ली के बाद लखनऊ की बात करते हैं, इसका गुणवत्ता सूचकांक 299 दर्ज किया गया है जो थोड़े खराब की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके बाद पटना की बात करेंगे, गुणवत्ता सूचकांक 152 दर्ज किया गया है, संतोषजनक स्थिति में पटना की हवा को दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बेंगलुरु की बात करेंगे, गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है, यानी बेंगलुरु की हवा अच्छे की श्रेणी में है। पुणे की बात करेंगे, गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज किया गया है, यहाँ की भी जो हवा है वो संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है। इसके साथ ही हैदराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया है जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो हैदराबाद के बाद बात करते हैं कोलकाता की, जो कि गुणवत्ता सूचकांक 108 दर्ज किया गया, यहाँ की जो हवा की स्थिति रही वो संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है। इसके साथ ही मुंबई की अगर हम बात करें तो गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज किया गया है। मुंबई की गुणवत्ता सूचकांक 71 के साथ ये अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद की गुणवत्ता सूचकांक 81 दर्ज किया गया है, यहाँ की भी हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे पर्यटन पूर्वानुमान, यानी कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। लद्दाख के लेह की बात करते हैं, यहाँ पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी कि चारों दिन आने वाले यहाँ पर धूप खिलती नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में चारों दिन तापमान रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में आने वाले चारों दिनों में तापमान रहने वाला है। लद्दाख के लेह अगर जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो मौसम कुछ इस प्रकार से रहेगा और चारों दिन यहां पर धूप खिलती हुई नजर आएगी। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात कर लेते हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन बारिश होने के अनुमान, यहां पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। शुक्रवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में हिमाचल प्रदेश के मनाली में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी कि आने वाले 4 दिन यहां पर भी बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में रहेगा। न्यूनतम तापमान चारों दिन 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार जताए गए हैं। पंजाब के अमृतसर जाकर जाने की तैयारी है तो कोई इस प्रकार से मौसम वहां पर रहने वाला है। राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, यहां पर मंगलवार और बुधवार बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में आने वाले 4 दिनों में राजधानी दिल्ली का तापमान
रहने वाला है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों के मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर के इम्फाल के अंदर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार यानी कि आने वाले चारों दिनों यहां पर मूसलाधार बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहां पर अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में आने वाले चारों दिनों में इम्फाल के अंदर तापमान रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु के ऊटी में मंगलवार को गरज चमक के साथ हल्की फुल्की मूसलाधार बारिश यहां पर छींटे देखने को मिल सकते हैं। वहीं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को बात करें तो इन तीनों दिनों यहां पर मूसलाधार बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान चारों दिन रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो तमिलनाडु के ऊटी में न्यूनतम तापमान चारों दिन यहां पर 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं। मैसूर के अंदर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार यहां पर भी चारों दिन बारिश होने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में चारों दिन तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों दिन यहां पर 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान कर्नाटक के मैसूर में रहेगा। कर्नाटक के मैसूर अगर आप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो तापमान और मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से रहेगा। महाराष्ट्र के मुंबई की बात करते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यानी कि शुरुआत के तीन दिनों में मूसलाधार बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं, लेकिन शुक्रवार की अगर हम बात करें तो वहां पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी। लेकिन तापमान की अगर हम बात करें तो मुंबई के अंदर अधिकतम तापमान 30 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों दिन यहां पर न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। गुजरात के पोरबंदर की बात करते हैं तो यहां पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन यहां पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस जो तापमान यहां पर अधिकतम रहने वाला है पोरबंदर में। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान गुजरात के पोरबंदर में आने वाले चार दिनों में रहने वाला है। तो गुजरात के पोरबंदर अगर घूमने की तैयारी है तो इस हिसाब से मौसम के लिए आप तैयार रहिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेती किसानी की। तो आज खेती किसानी में हम जानेंगे निराई और गुड़ाई के बारे में। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अगर किसान भाई फसलों की देखभाल करेंगे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं, साथ ही साथ व्यावसायिक लाभ भी ले सकते हैं। तो निराई और गुड़ाई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। मक्के में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। किसान तरबूज की तुड़ाई करते रहें, इस समय शलगम की बुआई कर सकते हैं, साथ ही गाजर की बुआई का समय उपयुक्त है। इसी तरह मूली की बुआई कर ले। जम्मू कश्मीर में फूल गोभी की रुपाई करते रहें, वहाँ प्याज की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। इसके साथ ही अरहर के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। यही लोबिया के खेत में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुकंदर की बुआई कर ले। हरियाणा में गाजर की बुआई कर ले। गाजर के खेत में निराई और गुड़ाई करें। गाजर के खेत से खरपतवार निकालें। किसान प्याज की रुपाई कर सकते हैं, प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। प्याज के खेत से घास फूस निकाल ले। प्याज के खेत से ही जल निकासी का उचित प्रबंध कर सकते हैं। यही कपास के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। कपास के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा धान के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी मक्के में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल हमारी टमाटर की फसल है। टमाटर में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं और पूरे भारत में इसकी बुआई और खेती की जाती है। टमाटर को लेकर क्या कुछ विशेष है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। एक हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है।
ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे, बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को खाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं, इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो टमाटर सब्जियों में एक विशेष स्थान रखता है और बताए गए उपायों से अनुसार अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो जाहिर से आप बेहतर खेती यहां पर और बेहतर पैदावार ले सकेंगे। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप हमारे YouTube चैनल यानी कि DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि मौसम खबर में आपको सभी जानकारी दी जाए, कैसी फसल आपको लगानी है, कृषि विशेषज्ञ की सलाह कैसी है, कहां पर कैसा तापमान रहेगा, कहां बारिश होगी और पर्यटन स्थलों पर कैसा मौसम रहेगा, ये सभी जानकारियां हम आपको मौसम खबर में बताते हैं। और हमें उम्मीद है कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी आपके काम भी आ रही होगी। इसी तरह देखते रहिए मौसम खबर और आज के इस मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मौसम खबर। नमस्कार। अरे पीकू, क्या चले ऐसी जगह जहाँ हो पानी, हो हरियाली, ना हो सूखे पेड़ों की डाली और हो सूरज की जहाँ रोशनी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं चलते हैं। जल घर घर लाना है, देश को सजग बनाना है। अरे वाह पीकू, तुम बड़ी समझदार हो गई हो। हर शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। दिल है प्यारे जरा देख तो ले। चीटर, तुम पक्के धोखेबाज हो, बेईमान। यार यही प्यार तो नहीं, डैडी से पूछूंगा। अरे हिंदी फिल्मों में ऐसा कोई भी हीरो नहीं जो मेरे जैसा हो। ऐसी खुशबू लेके आई है पवन। तब तक जिंदा होकर भी जिंदगी से दूर था, लेकिन आज जिंदगी मेरे सामने। गुड्डू फंडू फीचर फिल्म्स में 9 सितंबर शनिवार रात 8 बजे फिल्म गुड्डू सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है, साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है।
भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किरण के अव्वल आने की मिठाई तो बहुत खा ली, अब रिश्ते के लड्डू खाने हैं। मैं तो खुद चाहता हूँ कि किरण जैसी लड़की हमारे बेटे की जिंदगी में आए। अगर किरण 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई रोकती है तभी। अमनदीप किरण को शायद पसंद करता है, लेकिन किरण क्या सोचती है? किरण को अपना सपना मत बनाओ, उसके सपने को पूरे होने दो। अभी तो ये मॉडल बनाने में ना मैनू 32 दिन लगे हैं, लेकिन असली स्पेस शटल बनाने में मैनू 3 साल भी लगे ना, मैं अपना सपना सच जरूर करूंगी। देखिए जहां चांद रहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मधुमक्खियां पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाती हैं, साथ ही वर्तमान समय में इनका पालन करना आत्मनिर्भर होने के लिए अच्छा विकल्प भी है। कम जोत वाले किसान या युवा इस व्यवसाय को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि इसे शुरू करने के लिए कम स्थान और कम पूंजी की जरूरत होती है। प्रयागराज के रहने वाले अजीत कुमार ने अपनी पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए मधुमक्खी पालन का सहारा लिया। इसके लिए उन्होंने शुरुआत में 3 बक्सों में मधुमक्खी पाली, जो आज बढ़कर करीब 200 बक्से हो चुके हैं। 2009 से शुरू किए गए इस व्यवसाय को संवारने के लिए अजीत जी ने 2014 में KVK से प्रशिक्षण लिया, जो काफी सहायक रहा। अजीत न सिर्फ शहद के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं, बल्कि वो बाकी किसानों और युवाओं को मधुमक्खियाँ भी उपलब्ध कराते हैं। हाल ही में अजीत जी ने करीब 50 बक्से मधुमक्खियाँ बेची हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय हुई है। मजबूत इरादे इंसान को सफल बनाने में सहायक होते हैं। जिस तरह अजीत जी ने अपनी मेहनत से अपने आर्थिक हालात बदले हैं, इसी तरह बेरोजगार